भर लिया को बाबा जोगिया हो रा चार लाइन का भूमिका कवि जी बिरहा के अंदर लिखलन बात वो समय के बतावल गई जिस समय गुजरात का राजा जेकर नाम बतावल गई बहादुर शाह बहादुर शाह अपनी सेना को लेकर के चित्तौड़ के धरती पर मेवाड़ के धरती पर चढ़ाई कैले बा वहां से हमरे बिरहा के कहानी शुरुआत भाई कैसे सर सजा कर सर सजा कर के खूनी कफन नौजवान रंग अपना दिखाने चले सम्मान मेवाड़ ऊपर जले कर चले वीरता जिनके हिम्मत को ललकारती को भी चुनौती सुनाने चले दलाल करते नमन है सदा मौत से जो पंजा मिलाने चले नंदलाल करते नमन है सदा मौत से जो कि पंजा मिलाने चले आए बाबू आए भैया बहादुर शाह जो ने समय अपन भारी तादाद में सेना लेके तीर तेगा तमंचा भाला लेकर के चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई कैलस रानी कर्मावती जी घबरा गई है बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना लाइन कोई आशिक अपना माशुका से कहे आए मेरी जाने मन ये दिल क्या चीज है तुझे तो हम अपनी जान भी दे देंगे कहे तो दिल्ली चीज तो दिल्ली चीज क्या अरे जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा ए हीरो बस एक बार तो बस एक बार मेरा कहा महान गजल की लाइन रहल लेकिन भाव में कितनी बढ़िया बात हमारे कवि जी लिखे रानी कर्मावती जी को जिस समय खबर लगा है चित्तौड़ की महारानी रानी कर्मावती जी के जब खबर लगल बा उस समय सब लोग आक्रोश में आ गए जज्बात में आ गए कैसे अरे जज्बात के बूंद से और अपने लहू के बूंद से मैं दाम लिखेंगे अपने लहू के बूंद से मैं
प्रभु ए भैया, रानी कर्मावती जी चित्तौड़ की महारानी, चौने समय बड़ी तादाद में सेना के देख ले बहादुर शाह के सेना की चिंता में पड़ गई लीन कर्मावती। सोचथिन कि मेवाड़ चित्तौड़ का राजधानी कैसे बची, सोच में पड़ी है। नज्म के लाइन से कहानी की शुरुआत होता। इस जिंदगी से बढ़ के, इस जीवन से बढ़ के हमारी ये धरती माता है। वाह 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 वाह। हमारे नौजवान, हम और आप चैन अमन की सांस ले रहे हैं। हम बिरहा गावती, आप लोग चैन से बैठ के बिरहा सुनत हुआ, लेकिन हमारे फौजी नौजवान रात दिन एक करके हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। जीवन से बढ़ के धरती का सम्मान जो रखे, जीवन से बढ़ के धरती का सम्मान जो रखे, पुरुष दिखा इतिहास में पहचान जो रखे। बहादुर शाह सेना ले चित्तौड़ जंग में, बहादुर शाह सेना ले चित्तौड़ जंग में, एक और राजपूत चले भर मंग में। ए बाबू ए भैया, एक तरफ से बहादुर शाह की सेना बड़ी तादाद में, दूसरी तरफ से रानी कर्मावती जी का सेना, राजपुताना सेना। बहादुर शाह के सेना के सामने तुझ कुछ भी नहीं है, तीर तेगा तमंचा लेकर के फिर भी अपने हौसला को बुलंद करके जितनी राजपुताना सेना लड़ाई के मैदान में पहुंच जल बा। कमजोर सेना देख, अपनी कमजोर सेना को देख के रानी कर्मावती जी मनवा में सोचत है कि हमरे चित्तौड़ का ए मेवाड़ का मान सम्मान लगत है कि बची नहीं। क्या बात है। कमजोर सेना देख कर्मावती घबराई है, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भजवाई है। भाई बहन के फर्ज का पहचान कर रखी, भाई बहन के फर्ज का पहचान कर रखी, धागा नहीं है प्यार का सम्मान कर रखी। ए बाबू ए भैया, जब कर्मावती जी देखलिन कि राजपूतों की सेना कमजोर है, अचानक एक बैग दिमाग में बात आई कि काहे ना बादशाह हुमायूं जी से, अपने धर्म के भाई से मैं मदद मांग लूं। चिट्ठी लिखली के हुमायूं जी के चिट्ठी लिखली। ए बाबू ए भैया, कमजोर सेना देख के घबरा गई, चिट्ठी लिखत है बादशाह हुमायूं जी के चिट्ठी लिखली, कलिन आए मेरे धर्म के भाई, भले ही मैं हिंदू हूँ और धर्म से तू मुसलमान है, लेकिन मैं तुझे ये लिफाफे में राखी भेज रही हूँ। ये रखिया के कीमत के अदा कर दिया, ये रखिया अपना कलाई में बांध लिया, और ये रखिया के तोहरा के कसम हमार भैया कि चित्तौड़ का मान सम्मान ए बहिनिया का, हम ही ना केवल मैं ही नहीं, जितने राजपूत लड़ाई के मैदान में गए हैं, केहू का मतारी, केहू का बहिन, केहू का बेटी, सब लोग अपनी अपनी चिता सजा करके आपका इंतजार करेंगी। अगर आप नहीं आएंगे तो सब लोग आत्मदाह कर लेंगी। बिरहा में एक लाइन गीत लगल मास्टर, कैसे चिट्ठी लिखा बाबूजी, आप लोग के
जमाने के गीत लगल बा। जब हमनी के कौनो जन्मे कर्म ना भइल रहलो तब के गीत बड़ी पुरान गीत बा। जब मोबाइल के जमाना ना रहे बा। आजकल अगर घरे में सास पतोह में झगड़ा होता तू सिकेंड ना लगा था मोबाइल झट दे निकला था और झट दे काने को नहीं फोन लग जाता तो वीडियो कॉलिंग होए लगा था। इतने ना वीडियो कॉलिंग पे सब बात बतावल जाता कि जितना जल्दी हो सके घरे आ जा। लेकिन एक जमाना रहे पुरनिया दादा बाबा लोग बैठल है जब मोबाइल का सिस्टम ना रहे चिट्ठी द्वारा हर खबर भेजल जाए तो महीना दो महीना चिट्ठिया पहुंचे में लग जा वहां से खबर आवे में दो महीना लग जा चार महीना भी तो जमाना रहे कैसे मसर चिट्ठी लिखा तो जाने तू तार बालमू यही में वो यही में भेजता चुम्मा दिल के प्यार बालमू यही में भेजता चुम्मा दिल के प्यार बालमू यही में भेजता चुम्मा दिल के प्यार बालमू यही में भेजता चुम्मा। ए बाबू ए भैया इत गीत के लाइन रहल लेकिन जौने समय चिट्ठिया लिखत है नो भैया आग से झर 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 आंसू बहता चिट्ठी लिखत हिन कहनी नहीं मेरे धर्म के भाई तू मुसलमान है और मैं धर्म से हिंदू हूँ लेकिन मेरे इस राखी को स्वीकार करना और हजारों हजारों बहने किसी की माँ किसी की बेटी किसी की बहन सब लोग अपनी चिता सजा करके बैठी हैं जितने राजपूत लड़ाई के मैदान में पहुंचे हैं गए कहे तो ये ही राखी में चितौड़ का राखी में चितौड़ का समान बीरना होया जा बन के कन्हैया भागा वान बहादुर शाह खून के पी या सल बाबू दैया अरे भैया बहादुर शाह खून का प्यासा वह पापी जिस्म का भूखा वह पापी अगर नहीं आओगे तो चितनी बहने चिता सजा के बैठी है सबकी इज्जत आबरू को लूट लेगा चितवा सजा बनी राजा पूतल का लू भैया बाबू चिट्ठी जौने समय हुमायूं जी के हथवा में लगल बा हुमायूं जी ओ चिट्ठिया के खोलन लिफाफा फड़ले हुन जब लिफाफा फड़लन तो वही में एक थे भाई और बहन के प्यार का धागा जिसका नाम बताया गया राखी
हुमायूं के हाथ में उराखी लगल बा और वो चिट्ठी लगल बा कलैया में रखिया के बांध लेलन। बदला के बाद वो चिट्ठिया जब पढ़े लगलन हो भैया झरझर झरझर, उस धर्म के भाई मुसलमान हुमायूं के आंख से आंसू चले लगल। ऐ मेरी धर्म की बहन, मैं इस राखी की कसम खाता हूँ, मैं इस राखी की कसम खाता हूँ, भले ही मैं धर्म से मुसलमान हूँ और तू हिंदू है, लेकिन तेरे दामन में मैं दाग नहीं लगने दूंगा। भले ही मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं तुम लोगों को चिता पर लेटने नहीं दूंगा। मेरा हाँ मैं गीत लगल मिस्टर। बड़े पुरान गीत लगल, बड़े पुराने फिल्म से। हो मेरी बहना, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। तेरा भैया निभाएगा। लेकिन वह मुसलमान भाई उस राखी की कसम खा के बोलता है, ऐ मेरी धर्म की बहन, मुझे मुसलमान मत समझना, मैं तेरा भाई ही हूँ, मुझे समझो, मुझे समझो, नहीं तो मुसलमान ये भैया तेरा है। तैयार हो जा, मुगलन का भारी सेना को ललकार के बादशाह हुमायूं ललकार के तैयार कर दिए कि तैयार हो जाओ तीर तेगा तमंचा भाला लेकर के। हजारों हजारों बहन की इज्जत आवरू की बात है, मैं भले ही अपने गर्दन को कटा दूंगा लेकिन उस बहन के दामन में दाग नहीं लगने दूंगा। ललकार के सेना तैयार करके लेके चल वो बिरहा शैली में भाव लगल मिस्टर। Oh!
अरे बिरताई देखल चाही जंग में, बिरताई देखल चाही जंग में, मौत को दिया चुनौती खूनी कफन सजाई। बिरताई देखल जाई जंग में, मौत को दिया चुनौती खूनी कफन सजाई। बिरताई देखल जाई जंग में, चित्तौड़ के मैदान में अपनी लाखों लाखों सेना को लेकर के, लाखों करोड़ों सेना को लेकर के भारी तादाद में जाके वो चित्तौड़ के चारों ओर से घेरवा लेलन। बस हुमायूं जी चारों ओर से तीर तेगा तमंचा भाला लेकर के सब लोग बहादुर शाह के सेना के घेर लेलन। जो ने समय बहादुर शाह के सेना के घेर ले हुए बाबू ये भैया निकाल लिए तलवार, निकाल के खच 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 बालत हुन। कैसे चोलरिया का भालू गल में से विराम में आवा। बारी उमर कमर लचकनिया बढ़िया खींचे निगुर के बढ़िया। बहादुर शाह के सेना के आगे बढ़ल, बिछौना पड़ल मुंड के गर्दन काटत आगे बढ़ल हुन। अब बहादुर शाह के अपन जान बचावल भारी पड़ गल। दौड़ाए के हुमायूं जी रह के वह पिछवे से पकड़लन, कलन कहां कहां भगत हुआ। विजय का पता कहा हुमायूं जी लड़ाई के मैदान में चित्तौड़ के मैदान में गाड़ देलन। जोने दबा जोने समय विजय का पता का गड़ले हुन चलल हुन मास्टर पापट का भाग गेल। विजय का पता का गाड़ के मामा मन में खुशी के भाव लेकर के हुमायूं जी चले हैं कि आज हम अपने धर्म के बहन कर्मावती जी को बता देंगे। क्या कर्मावती, मैं भले ही धर्म से मुसलमान था और तू हिंदू थी, बा, बा, बा। लेकिन देख तेरा ये भाई दिए हुए वचन को निभाया। चलो लोहन खुशी के भाव लेके कैसे अरे लाज बचावल धर्म कबीर नवा कच्चा धागा से। लाज बचावल धर्म का पिरनवा कच्चा धागा से, तजो बहिनी भैया का आवनवा कच्चा धागा से। चिता सजा करके बैठी हुई हजारों हजारों
छतराड़ी सब आंखें थक गई, कर्मावती जी सोच गई, जोहत आंख थक गई, सोच गई कर्मावती जी लगता है अब मेरा धर्म का भाई नहीं आएगा। सोचे बहिनी संकट में, अरे बिरनवा नहीं आई है हो, राजपूतन कसे ना हमर सही तो कोई जई है हो, चिता सदा वाली राजपूतन का जननवा कच्चा धागा से, आत्मदाह कह दहली जननवा कच्चा धागा से। ए भैया ए बाबू, इंतजार करते करते आंखें थक गई। कर्मावती रानी, कर्मावती जी हजारों हजारों छत्राणी के आदेश दे देलिन कि लगता है अब मेरा धर्म का भाई नहीं आएगा। सब लोग अपनी अपनी चिता में आग लगा करके चिता के ऊपर लेट जाओ, आत्मदाह कर लो। अगर आत्मदाह नहीं करोगी तो पापी नीच जिस्म का भूखा बहादुर शाह आएगा, सबके इच्छा आबरू को नीलाम कर देगा। इससे अच्छा है कि अपने आप को इस अग्नि में जला लो। ए बाबू, रानी कर्मावती जी के कहे अनुसार हजारों हजारों चिताओं में आग लग गई, सब लोग अपनी अपनी चिता पे लेट गई। बिरह में आल्हा के भाव लगल मास्टर कैसे। अरे तारे नाय तारी कब विधि कहे विधानवा ये भैया, विजय का पताका लेकर के वह जवान हुमायूं चलल हुन खुशिया में झूमत हो भैया, कर्मावती जी के महल के ओर जब बड़े हैं, देखत हुन की धुआं धुआं चारों ओर फैला है, सोच गए कि लगता है मेरी बहन आत्मदाह कर ली। चिट्ठिया में कर्मावती जी लिखले रलिने भैया, अगर नाई बा तो सब लोग अपनी अपनी चिता को सजा करके इंतजार कर रही हैं। सोच गए हुमायूं जी कि मेरी धर्म की बहन अब नहीं रही, घुटना टेक के जमीन पे गिर गई लन, झरझर झरझर आंख से आंसू हुमायूं जी के चलो था, चिता से सवाल कई लन, है मेरी धर्म की बहन
अरे पगली, काय भाई के ऊपर थोड़ा भी तुझे विश्वास नहीं था? कहलम का अरे मुसलमान हुमायूं जी, कलन इसीलिए एतबार नहीं था कि मैं धर्म से मुसलमान और तू हिंदू थी। अरे मुसलमान जाना हम क्या जानी रोवावा बगिनी, अरे मुसलमान जाना हम क्या जानी रोवावा बगिनी, अरे देई के ना बाबा बतावा बहिनी। धर्म की बहन बस इतना बता दे पगली कि तुझे इस भाई के ऊपर एतबार नहीं था। काहे खातिर राखी भेजोलू जब विश्वास ना रहे? कहे का अरे धर्म के बीरन पे भरोसा नहीं कैलू, अरे मिलला से पहले काहे छोड़ के परैलू। चित्तौड़ संभारी अब अरे समझावा बंगनी, ता देई के न बाबा बतावा बजनी। से सवाल कैलन कलन रे पगली, बस हमके इतना बता दे जौना चित्तौड़ के मान सम्मान के बचावे के खातिर इतनी बड़ी सेना हम लेके आईली, ऊ चित्तौड़ मेवाड़ अब कौने काम के जब तू ही नहीं रही। हमरे विराह के कहानी हमें से समाप्त भइल, आखिरी बंद में खानदान का परिचय बतावल गए। पत्तू जय मंगल राम आधार पति राम संत की बानी, राम याद कभी भूल चंद का और लजिया रखा महारानी। अरे पीरताई देखल जाई जंग में,